Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. अजीत प्रताप सिंह। अजीत प्रताप सिंह जी, अभी आपने कहा कि हम अगर अपने परिवार के लोगों से माफी मांग लें तो व्यक्ति बड़ा होता है, यही कहा ना? निश्चित रूप से, निश्चित रूप से। तो प्रधानमंत्री जी बड़े हुए, मतलब माफी मांग? अरे हमेशा बड़े थे, हमेशा बड़े रहेंगे, उनकी सोच बड़ी है। बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन एक बात का जवाब दीजिए कि प्रधानमंत्री जी ने माफी किससे मांगी? आंदोलनजीवी से, परजीवी से, खालिस्तानियों से, पाकिस्तानियों से या मवालियों से? नहीं नहीं नहीं, सुनिए हमारी बात। उसमें कुछ हमारे परिवार के लोग जो दिग्भ्रमित होके उनको बहला फुसला के आंदोलन में ले गए थे, उनको सांत्वना देने के लिए मोदी जी ने यह कानून बिल वापस लिया है, और बाद में समझा बुझा के यह कानून फिर लाया जाएगा, उसको उसके लिए रिफाई करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आज आज फिर देश हित में कानून आएगा, सबको आप लोग होगी, चुनाव के बाद वापसी होगी। यह बीजेपी का एजेंडा है, भटकाने वाला है, झंडा है कि चुनाव के बाद वापसी होगी। अब ये देखा आपने, ये है बीजेपी का खेल, इसको कहते हैं बीजेपी का खेल। बीजेपी के खेल में यही होता है, कहा कि 2 महीने बाद वापसी हो जाएगी, वापसी होगी, वापसी होगी। हाँ, अब आप जानिए किसानों को क्या समझ रखा है। बीजेपी का खेल, आप देखिए चुनाव का समय है तो बहुत शोर शराबा हो रहा है। मुझे लगता है कि मैं क्या नहीं देना, लेकिन आपको बता रही थी कि भाई किसान कानूनों को लेकर के लोगों की राय क्या है, सड़क पर आदमी क्या सोचता है, वही आपको बता रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया भाई, लोगों की राय जो थी आपको बता दी इतने शोर में, तो मुझे लग रहा है मेरा ही गला बैठ गया।